सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टडी टेस्ट टुडे और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टेस्ट टुडे में आपका स्वागत है। और आज पढ़ेंगे हम लोग ईंधन। ईंधन देखिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनने का चांस ज़्यादा रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज क्लास चल रहा है। जो फ्रेंड्स नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो सबसे पहले हम समझेंगे ईंधन क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स ईंधन होता क्या है, बस आप अच्छे से समझते चलिए। देखिए ईंधन जो पदार्थ जलने पर ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न करते हैं ईंधन कहलाते हैं। सिंपल भाषा में समझ लीजिए। और देखिए ईंधन मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। ईंधन जो होते हैं मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पहला होता है ठोस ईंधन। जितने भी इम्पॉर्टेंट है सबका एग्जाम्पल ज़रूर से देख लीजिएगा। देखिए ठोस ईंधन कौन कौन से होते हैं, लकड़ी होता है, कोयला, गोबर, कोक, चारकोल आदि सब ठोस ईंधन में आते हैं। और देखिए फ्रेंड्स द्रव ईंधन। द्रव ईंधन को आप देखिए, तो देखिए द्रव ईंधन पेट्रोलियम हो गया। पेट्रोलियम में डीजल, पेट्रोल, कोल तार और एथेनॉल, इतना इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और गैस ईंधन में देखिए फ्रेंड्स, प्राकृतिक गैस में हाइड्रोजन हो गया, प्रोपेन हो गया, कोयला हो गया, सब इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जितने भी हैं सब इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए बारी बारी से जो इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस ज़्यादा होते हैं, तो उन्हीं सबको हम अच्छे से समझेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग कोयला को समझेंगे। देखिए कोयला कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला चार प्रकार के होता है। जो पहला होता है पीट कोयला, इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए पीट कोयला में क्या होता है, यह सबसे निम्न कोटि का होता है। जो पीट कोयला होता है सबसे निम्न कोटि का होता है और इसे जलाने पर अधिक राख और धुआं निकलता है। देखिए पीट कोयला में कार्बन की मात्रा 50 से 60% होती है। और देखिए कोयला का दूसरा भाग जो होता है लिग्नाइट कोयला, ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए इसका उपयोग घरेलू कार्यों में होता है और इसका रंग भूरा होता है, इम्पॉर्टेंट। इसको तो अच्छे से देख लीजिए, जो लिग्नाइट कोयला उसका रंग भूरा होता है। और लिग्नाइट कोयला में कार्बन की मात्रा 65 से 70% तक होती है। जितना है बस उतना समझते चलिए फ्रेंड्स आपका। और देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बिटुमिनस कोयला को समझेंगे। कोयला का तीसरा भाग जो होता है बिटुमिनस कोयला, देखिए इसका भी उपयोग घरेलू कार्यों में होता है और इसे मुलायम कोयला भी कहते हैं। बिटुमिनस कोयला को मुलायम कोयला भी कहते हैं। और देखिए बिटुमिनस कोयला में कार्बन की मात्रा जो होती है 70 से 85% तक होती है फ्रेंड्स, 70 से 85%। अब देखिए फ्रेंड्स एंथ्रासाइट कोयला, तो एंथ्रासाइट कोयला है, एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की मात्रा 85% से अधिक होती है और यह सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है जो एंथ्रासाइट कोयला है, सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब समझेंगे फ्रेंड्स कोल गैस। तो कोल गैस देखिए फ्रेंड्स, कोल गैस में 54% हाइड्रोजन, 35% मीथेन और 11% कार्बन मोनोऑक्साइड और 5% हाइड्रोकार्बन होता है फ्रेंड्स, 5% हाइड्रोकार्बन व 3% कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों का मिश्रण होता है कोल गैस। और देखिए कोल गैस रंगहीन वो एक विशेष गंध वाली गैस है। यह वायु में सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स, यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाती है जो कोल गैस होती है। अब समझेंगे हम लोग फ्रेंड्स प्रोड्यूसर गैस। देखिए प्रोड्यूसर गैस कौन कौन से होते हैं, तो देखिए जो प्रोड्यूसर गैस होता है मुख्यतः
नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है। फ्रेंड्स इसको देख लीजिएगा, इसका सूत्र होता है और देखिए इसका प्रयोग जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोड्यूसर गैस होता है इसका प्रयोग ईंधन तथा कांच व इस्पात बनाने में प्रयोग किया जाता है। और देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग समझेंगे वाटर गैस। तो देखिए फ्रेंड्स वाटर गैस इम्पॉर्टेंट है। वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। सूत्र तो एकदम इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सूत्र अच्छे से याद कर लीजिएगा, प्रोड्यूसर गैस का भी और वाटर गैस का भी। और देखिए वाटर गैस में बहुत अधिक ऊष्मा की मात्रा प्राप्त होती है वाटर गैस से फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग समझेंगे प्राकृतिक गैस, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स प्राकृतिक गैस। तो देखिए फ्रेंड्स यह पेट्रोलियम जो प्राकृतिक गैस वह कुओं से निकलती है और इसमें 95% हाइड्रोकार्बन होता है और जिसमें 80% मीथेन होता है फ्रेंड्स प्राकृतिक गैस में। देखिए यह घरों में प्रयुक्त होने वाली द्रवित प्राकृतिक गैस को LPG गैस भी कहते हैं। और देखिए फ्रेंड्स जो LPG होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होता है उसका जो पूरा नाम होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो देखिए यह ब्यूटेन व प्रोपेन का मिश्रण होता है फ्रेंड्स। LPG ब्यूटेन व प्रोपेन का मिश्रण होता है। LPG अत्यधिक ज्वलनशील होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट ए लाइन है। अतः इसमें होने वाले जो प्राकृतिक जो LPG गैस होती है दुर्घटना से बचने के लिए फ्रेंड्स उसमें सल्फर का एक यौगिक होता है मिथाइल मरकाप्टेन, इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स इसको तो अच्छे से देख लीजिएगा। जो दुर्घटना से बचने के लिए सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकाप्टेन को मिला देते हैं ताकि उसके रिसाव से इसकी गंध से पहचान लिया जाता है। आप कभी गैस किए होंगे फ्रेंड्स LPG में जब गैस निकलती है तो उसकी गंध आती है, तो वही होती है मिथाइल मरकाप्टेन। अब समझेंगे फ्रेंड्स गोबर गैस। देखिए गोबर गैस आसान भाषा में समझ लीजिए, गोबर गैस गीले के सड़ने पर ज्वलनशील मीथेन गैस बनती है। अच्छा है, जो गोबर गैस होता है उसको गीले गोबर के सड़ने पर जो ज्वलनशील मीथेन गैस बनती है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मिस्टेक हो गया तो समझ लीजिएगा, तो गोबर गैस संयंत्र में शेष रहे पदार्थ जो शेष पदार्थ बचता है वह कार्बनिक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग समझेंगे CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो देखिए CNG में 80 से 90% मीथेन गैस होती है। CNG में 80 से 90% की मात्रा मीथेन गैस होती है। और देखिए इम्पॉर्टेंट ए लाइन, सबसे इम्पॉर्टेंट, जो CNG का प्रयोग वाहनों के ईंधन के रूप में किया जाता है फ्रेंड्स। और इसका देखिए जो CNG का प्रथम जो स्टेशन है तमिलनाडु के नागपट्टनम नामक स्थान पर लगाया गया था, वहाँ पे सबसे पहले प्रयोग किया गया था CNG का। और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें फ्रेंड्स।